जय श्री महाकाल। हेलो माय योजो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया है। तो महाबलेश्वर से अब पंचगनी की ओर जा रहे थे, और महाबलेश्वर में ही मतलब पंचगनी और महाबलेश्वर में मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। कोई बोला था ये पंचगनी है, कोई बोला था महाबलेश्वर है। तो बस यहाँ के गार्डन हरे भरे देखते हुए बस हम लोग पहुँच गए थे मैप्रो गार्डन। और बस ये मैप्रो गार्डन के सामने का व्यू है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे इस तरह के खाने पीने के, और बस यहाँ मैप्रो गार्डन में पहुँच चुके हैं। और एंट्री कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, आप जब कभी भी जाओगे तो। और बारिश कंटिन्यू तो हो ही रही थी, तो यहाँ एग्ज़िट से मैंने अंदर गई थी। एक्चुअली उधर पीछे जाना पड़ता जहाँ से एंट्रेंस है इसका जाने का। और यहाँ पे बिलिंग वगैरह काउंटर है, तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ से इस गार्डन से सामान लेंगे या ख़रीदेंगे तो आपको यहाँ बिलिंग ऐसी करानी पड़ेगी। ऐसा लगेगा आप किसी मॉल वगैरह में आए हो, बड़े से मॉल में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉकटेल की वैरायटी थी, नारियल का मॉकटेल था यहाँ पे, और फिर ऑरेंज हो गया, लीची हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और सिरप जैसे कि ये आपका चॉकलेट सिरप हो गई, ये स्ट्रॉबेरी सिरप हो गया, इस तरह का आप जैसे रू अफ़ज़ा होता है वैसे पानी में डाल करके घोल के पी सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आपको टेस्ट भी मुफ्त में कराया जाएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। आप 3 से 4 बार हर वैरायटी की चीज़ें खा सकते हो, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें कितना खाना है। फ्री है, फ्री का है, इसका मतलब ये नहीं कि खाते जाओ खाते जाओ। हंसी मजाक में 3-4 बार तो आराम से खा सकते हो, उसके बाद वो भी नोटिस करने लगते हैं आपको कि आप बार बार आ रहे हो। तो इसलिए उनके कहने से पहले ही आप थोड़ा सतर्क हो जाओ कि हाँ इतना ही फ्री का खाना है। तो काफ़ी सारी कैंडी थी यहाँ पे, चॉकलेट थी, और इस तरह के बॉटल्स में या छोटी बॉटल्स में भी अवेलेबल था, पैकेट पाउच में सब चीज़ें अवेलेबल थी। छोटा बड़ा आप जो भी लेना चाहो। तो चॉकलेट सिरप के अलावा यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के जैम वगैरह थे, और यहाँ पे मॉकटेल वगैरह भी टेस्ट कराया जा रहा था, और यहाँ पे चिप्स वगैरह भी थी काफ़ी सारी वैरायटी की थी, कॉफ़ी कुकीज़ वगैरह सब कुछ थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मॉकटेल ट्राई किया था जो कि बहुत टेस्टी था। यहाँ पे मैंने ट्राई किया था नारियल वाला मॉकटेल, और यहाँ पे कुकीज़ थी, चॉकलेट कुकीज़ थी, तो वो ट्राई की थी। बहुत सारी वैरायटी की थी यहाँ पर, तो आप चाहो तो सारी टेस्ट करो। नारियल के फ्लेवर की थी, ड्राई फ्रूट्स वाली थी, चॉकलेट वाली थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 कुकीज़ ट्राई की थी। यहाँ पे खाखरा भी था, जो कि आप चाहो तो सामने में ही, मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको, सामने ही बनता है। और यहाँ पापड़ था, आम पापड़ हो गया, आप ऐसे ले लो, या तो फिर जो जामफल होता है ना, अमरूद जिसको बोलते हैं, उसका भी पापड़ था। तो ये कोई भी चीज़ आपको हाथ में टच करके नहीं देंगे, सीधे ये प्लास्टिक से कट करके सीधे आपको हाथ में देंगे, रैपर कट करेंगे और आप सीधे हाथ में आपको देंगे। इनको टच करना अलाउ नहीं रहता है, वो मना कर देते हैं। और इसमें कुछ ये पाउडर था, और जो कि बहुत चटपटा था, उसमें मिला करके खाना था। मैंने तो 2-3 तरह का ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से लिया भी। तो मैंने ग्वावा का फ्रूट बार लिया था जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। और अभी दूसरे बहुत सारी वैरायटी थी मॉकटेल की, तो वो ट्राई करी थी। तो यहाँ ब्लूबेरी का था, वो ट्राई किया था, बहुत अच्छा बढ़िया था। मिंट और क्या बोलते हैं उसको, नींबू, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट था। और ये ब्लू वाला ट्राई किया, इसके पहले मिंट और नींबू वाला ट्राई किया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। पर ज़्यादा मीठा मेरे घर में खाते नहीं हैं, तो ये चीज़ें तो मैंने नहीं ली थी। यहाँ से चॉकलेट की काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल थी, तो वो ली थी यहाँ से। और यहाँ पे ली थी ग्वावा बार ली थी यहाँ पे, जो कि फ्रूट्स बार, वो बहुत अच्छी टेस्टी थी। जैम वगैरह लिया था, और ये चॉकलेट है जिसमें कि अंदर से खजूर वगैरह निकलेगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकलेगा, पान के फ्लेवर का था, चॉकलेट के अंदर से पान निकलेगा,
उसमें जैसे कि छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, पान के अंदर की स्टफिंग रहेगी, ये सारा कुछ मिला करके इसका स्टफ़ तैयार किया गया था और इसके अंदर डाला गया था, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा था। ये तो मैंने 2-3 बार खाया था। तो सारे के सारे लोग अभी तो ऑर्डर करने गए हैं। यहाँ का जो मैप्रो गार्डन का लोकल फूड मिलता है वो ऑर्डर कर रहे थे, और इधर मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी ताकि मैं आपको, अभी बच्चे परेशान नहीं करेंगे तो मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। तो यहाँ पे बहुत वैरायटी थी खाने पीने की, आप आकर एक बार ज़रूर विज़िट करें। अगर आप सामने से खाखरा लेना चाह रहे हैं, यहाँ सामने ही खाखरा बनता है एकदम बिल्कुल बहुत सफाई से, आप देख सकते हो सारी दीदियों ने कैप लगा रखी है, ग्लव्स लगा रखे हैं, और ये सारी मशीन से बड़ी बड़ी इसी में खाखरा प्रिपेयर होता है और बहुत सफाई के साथ होता है। उसमें जो चटनी वगैरह लगती है ना, हर तरह की मैप्रो गार्डन में मिल जाएगी आपको। तो बस यहाँ से निकल करके जा रही थी और ये कटहल का पेड़ दिख गया था, इसमें एकदम कटहल लगी थी इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की, जो कि बिल्कुल ज़मीन से टच हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ये कुछ गार्डन का सीन है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट भी बनाए गए थे, बहुत सारे सेल्फ़ी पॉइंट हैं, आप यहाँ के फ़ोटो खिंचवा सकते हो फैमिली फ्रेंड के साथ, या अकेले भी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये गार्डन देख सकते हो आप कितना खूबसूरत है, मतलब यहाँ पे हर तरह के लोटस वगैरह ऐसे खिले हुए, जो जनरली इस तरह के कलर देखने को नहीं मिलते हैं, पिंक या वाइट ही मिलता है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से कलर थे। और हाँ, किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है या फ्रेश वगैरह होना है तो वो भी बहुत है, और यहाँ हर 2-2 मिनट में इसकी सफाई होती रही थी, बहुत ही साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा था, घर जैसा ही था। और यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ का जो फूड है ना, पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविचेस हैं यहाँ के, जो हाथ तुरंत फटाफट से आपके सामने ही बनाई जाती हैं, और यहाँ मतलब कंटिन्यू ये चीज़ें चालू रहती हैं। यहाँ का अगर दो आपने सैंडविच खा ली ना, तो आपका पेट पूरा दिन फुल रहेगा। और यहाँ पे अवेलेबल था सूप, तो 2-3 तरह के सूप की भी वैरायटी थी, और कंटिन्यू देखिए यहाँ पे बनते ही जा रहा है। यहाँ पर मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाना हो या तो फिर सैंडविच बनाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैंने देखा है यहाँ पे मैदे का यूज़ नहीं होता है, व्हीट फ्लार का ही यूज़ हुआ है। और यहाँ इतनी भीड़ लगती है, और सामने ही आपको पिज़्ज़ा बना करके देंगे, और काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी, और उसकी लेयर बहुत ही मतलब पतली रहती है, जैसे अपन नॉर्मल बाहर जाके खाते हैं ना, मोटी मोटी लेयर के पिज़्ज़ा रहते हैं, और यहाँ पे एकदम पतली लेयर का, और बहुत ही अच्छे से अंदर तक पका हुआ, अंदर से मुलायम, बाहर से क्रिस्प। और यहाँ ये फेमस है, ये गार्डन अपने पिज़्ज़ा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और सैंडविच के लिए फेमस है, और यहाँ के जो आइसक्रीम होती है ना, आप ज़रूर आओ तो ये तीनों चीज़ें तो ज़रूर ट्राई करना, आइसक्रीम कितनी सारी वैरायटी है। और यहाँ पे मैंने भी पिज़्ज़ा खाया था, पर हमने ज़्यादा पिज़्ज़ा ट्राई नहीं कर पाए, मतलब अलग अलग तरह के, क्योंकि बच्चे थे ना, बच्चों को मार्गरेटा ही पसंद था तो वही मंगा पाए, और बस यहाँ पे मज़े ले रहे थे। बहुत ही बढ़िया लगा था ये मुझे सैंडविच बहुत ही टेस्टी था, थोड़ा ठंडा हो गया था क्योंकि मैं उधर चली गई थी दूसरी तरफ शूट करने के लिए, और फिर इधर आई, उधर पीछे गार्डन भी है। अभी इस समय क्या है, गार्डन में ज़्यादा कुछ फसल नहीं लगी हुई है, नहीं तो गार्डन के अंदर भी शायद जाने देते हैं। और बस मैप्रो गार्डन से निकल चुके थे, और यहाँ पे मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, मोबाइल बंद हो चुका था, मैं थोड़ा भाई का थोड़ा इनका मोबाइल ले लेके ऐसे बिल्कुल शूट किया है, बहुत दुख हुआ, मैंने सोचा था बहुत अच्छे से शूट करूँगी, तो यहाँ निकल पड़े हैं लिंगमाला फॉल के लिए। और बस यहाँ के जंगल तो इतने खूबसूरत थे कि मत ही पूछो, यहाँ पे बहुत सारी फोटो शूट भी करवाई है मैंने, और जंगल के बीच में अचानक से नदियाँ निकल के झरने निकल रहे थे, जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये जंगल ना सांपों के लिए बहुत फेमस है, यहाँ बहुत सांप पाए जाते हैं, बहुत मतलब कि किंग कोबरा से लेकर के सारे। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करवाई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, और इतना अच्छा ग्रीन सा था, और यहाँ और जंगल के बीच से ये झरने निकल रहे थे जो कि बहुत खूबसूरत थे। और मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, पानी में बिल्कुल एकदम ना ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मेरे भाई लोग बोले थे तुम छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो, मैं बोली हाँ इतने दिनों बाद देखा है तो जिसको जो समझना है समझो, मैं तो फुल इन्जॉय करूँगी।
और मस्त खूब चीख चीख के चिल्ला रही थी और मज़ा आ रहा था मुझे। और इस पूरे पानी में थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं सांप वाप ना हो, कुछ भी ना हो, पर कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा एकदम क्लीन पानी था। और खूब डांस वांस भी किया इस पानी में घुस करके मैंने, और ये ज़्यादा गहरा नहीं था, बीच बीच में थोड़ा गहरा था, तो मुझे तैरना तो आता है, मुझे टेंशन नहीं थी उतनी, मैं कर लेती हैंडल और बस निकल वहीं से। यहाँ पर टिकट लगती है एक्चुअली पर पर्सन 30 रुपीज़, 25 रुपीज़, तो बच्चों की तो नहीं थी, हम ही 4 लोगों की लगी थी, तो बस हमने यहाँ से टिकट ले ली थी और बस जा रहे थे। काफ़ी नीचे में है, पूरा वाटरफॉल दिखेगा आपको अलग अलग तरह का, और काफ़ी ज़्यादा फॉगी सा हो रहा था वेदर, और यहाँ पे भी छोटे छोटे ऐसे झरने निकल रहे थे, और यहाँ पे मैगी वगैरह ऐसे मैगी कॉर्न हर 10 मिनट की दूरी पे आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, बीच बीच में खाने का मज़ा ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है इस बारिश के मौसम में खाने में। और यहाँ पास में ही ना यहाँ पे भी पास में भी झरना था, मैं उसमें तो चली गई थी, बाकी कोई इन्जॉय नहीं करा था, मुझे फुल इन्जॉय करना था। और ये सब पीछे रह गए थे, और यहाँ गरम गरम ना मैगी बना के दे रहे थे, बहुत ही खाने का मन कर रहा था। 50 रुपये 60 रुपये प्लेट दे रहे थे, और उसमें एक ही मैगी यूज़ कर रहे थे, 10-15 वाली जो भी मिलती छोटी पैकेट वही यूज़ कर रहे थे। और यहाँ से भी यहाँ पे पुल बनी हुई थी, पुल के पार से पानी आ रहा था, और काफ़ी लोग फोटो तो खिंचवा रहे थे। मैं तो पूरे टी शर्ट और लोअर में ही पूरा टूर कवर कर लिया, इतने कपड़े लेके गई थी, कोई कपड़ा चेंज करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि होटल जाना ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा ड्राइवर भैया ने तो नहीं बोला कि आप एक दिन में जितना कवर कर सकते हो कर लो, तो हमने ये सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करी। और ये देखिए यहाँ पानी ही पानी हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था ये व्यू, बहुत प्यारा, और इतनी तेज़ रफ्तार में पानी था यहाँ पर। और ये चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पर भाई लोग थे, तो बीच बीच में यीशु को वो ले रहे थे, कभी ये ले रहे थे, और कभी बीच बीच में मैं भी ले रही थी, तो इस चीज़ का ये चीज़ अच्छी थी, नहीं तो फिर घूमना नहीं हो पाता। ये देखिए पानी की लहर कितनी तेज है, बहुत ही फास्ट है, और ये बहुत ही प्यारा सा व्यू। और पहाड़ के उस पार ना बहुत अच्छे अच्छे कॉटेज बने हुए थे इस तरह के, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, काश हम भी यहाँ पे बुक कर पाते, पर बहुत महंगे रहते हैं ये, पर ठीक है। जहाँ भी हमने स्टे किया था वो भी बहुत खूबसूरत है, आगे आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और ये अचानक से 2 मिनट में यहाँ फॉग आ जाती है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, 2 मिनट में ही शांत हो जाती है, 2 मिनट में ही अचानक से फॉग आ जाती है, आपको आसपास के लोग भी नहीं दिखेंगे, इतनी तेज़ी से आती है। और बहुत ही प्यारा सा व्यू है, आप देख सकते हो इतना खूबसूरत, मतलब क्या ही बोलो मैं इसके बारे में। ये देखिए अचानक से फॉग उठने लगी है बहुत तेज़ी से, बड़े देखो फॉग उठ रहा है, फॉग, वाओ, ओह माय गॉड, नदी दिख ही नहीं रही है अब तो, अचानक से फॉग आ गया। तो ये पहाड़ का सबसे ऊंचा वाला स्थान है, बहुत ही बढ़िया सा व्यू आ रहा था यहाँ से। और यहीं पे हम लोग भुट्टे खाए, और भाई भुट्टा यहाँ पे अपने हिसाब से बना रहा था। आज का ब्लॉग यहीं तक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि कैसा लगा ये ब्लॉग। बाय बाय।